इंदौर को हमने 11 जोनों में बांटा है। हर एक जोन के लिए एक डेडिकेटेड टीम हमने अलग से लगाई है। इंदौर में हॉट स्पॉट अलग से हमने चिन्हित किए, तय किए, उनको पहचान के उनकी व्यवस्था हम अलग से कर रहे हैं। सारी अत्यावश्यक वस्तुओं की सप्लाई वहाँ अमला कर रहा है शासकीय। इंदौर में हमने कोविड के लिए डेडिकेटेड अस्पताल तय किया हुआ है। पेशेंट्स की संख्या देखते हुए अब केवल अरविंद अस्पताल नहीं, दूसरा एक अस्पताल और तय किया है। वहाँ के सारे होटल्स कई हमने बुक्स किए ताकि हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और पुलिस के मित्र अगर घर ना जाना चाहें तो वहीं आइसोलेशन वहीं रहें और पूरी मेहनत से काम करते रहें। डॉक्टर्स की टीम तैयार की है, ट्रेनिंग दे के हमने पैरामेडिकल स्टाफ के साथ जिसमें ANM और दूसरे स्वास्थ्य कार्यकर्ता सम्मिलित है उनको भी लगाया है। केवल एलोपैथिक इलाज नहीं, उसके साथ साथ प्रिवेंटिव मेजर्स के रूप में आयुष की दवाइयाँ, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक बड़ी संख्या में वितरित करने का काम किया है। तो इलाज इंदौर में हमने पहले महामारी ना फैले बढ़े ना, इसलिए पूरे इंदौर को सील किया है। हॉट स्पॉट को अलग पहचाना है, इलाज की पर्याप्त व्यवस्था की है। सबसे पहले इलाके को पहचानना, आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद उसका आइसोलेशन जहाँ संक्रमण है, और उसके बाद टेस्टिंग, और टेस्टिंग के बाद ट्रीटमेंट। ये IITT ये हमारी रणनीति है और मुझे विश्वास है कि जल्दी इंदौर में भी इस महामारी को हम काबू में कर लेंगे। आपके ऑफिस में लिखा है नाम का दिन मुहे कहां सा, कोरोना के साथ युद्ध में इन पंक्तियों पर कैसे अमल हो रहा है और मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव कुल कितने कदम उठाए हैं। समर्पण, भक्ति, निष्ठा का एक अनुपम उदाहरण अगर कोई है तो वह है हनुमान जी, हमारे आराध्य भी है और प्रेरणा भी है। वो राम के भक्त थे, हमारी राम हमारी जनता है, और इसलिए राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम, ये वाक्य मुझे बड़ी प्रेरणा देते हैं पूरे समर्पण और निष्ठा से अपनी जनता की सेवा करने की। कोरोना के खिलाफ जब इस युद्ध में भी 23 तारीख की रात के 9 बजे से लगा हूं तो अभी तक चैन की सांस नहीं ली। मुझे एक ही चीज लगती है कि राम काज आज है कोरोना को समाप्त करना और रुकना, और जब तक ये समाप्त नहीं हो जाता मैं चैन की सांस नहीं लूंगा, आराम से नहीं सोऊंगा। लगातार मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता और अपनी सहयोगियों के साथ मिलके इस युद्ध को हम लड़ते रहेंगे और जीत के ही विश्राम लेंगे। सभी मुख्यमंत्रियों ने माननीय प्रधानमंत्री जी से परसों निवेदन किया था जब उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों से संवाद किया था। सब एकजुट है, एक मत है कि ये लड़ाई प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ी जा रही है बहुत प्रभावी ढंग से, सारा देश उनके पीछे है। हम मिलकर इस लड़ाई को लड़ें, और सभी का सुझाव ये था कि लॉकडाउन 14 को समाप्त ना किया जाए, बढ़ाया जाए। ये आग्रह माननीय प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने किया है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी जब देश को संबोधित करेंगे तो लॉकडाउन की पूरी रणनीति जनता के सामने रखेंगे। एक तरफ भयानक महामारी, दूसरी तरफ किसानों का बंपर उत्पादन। हमने तय किया है कि इस महामारी से भी जूझेंगे लेकिन किसान के उत्पादन को भी खरीदेंगे, इसलिए हमने खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़ा दी है, विकेंद्रित करने का प्रयास किया है, अमले को विभाजित कर दिया है, कोरोना से कौन लड़ेगा, खरीद की व्यवस्था में कितने लगेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, एक साथ भीड़ ना आए, इसलिए हम किसानों को SMS करेंगे और एक खरीदी केंद्र पर एक दिन में हम अधिकतम 10 से लेकर 12 किसानों को एक खरीदी केंद्र पर बुलाएंगे। उनमें भी आधे सवेरे के टाइम बुलाएंगे, आधे शाम के टाइम बुलाएंगे, तो भीड़ इकट्ठी नहीं होगी और आसानी से किसानों की फसल उपार्जन के जरिए हम खरीद लेंगे और बंपर उत्पादन
किसानों की समस्या का समाधान होगा, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। प्रदेश में पानी को लेकर कमलनाथ जी ने हम पर आरोप लगाए हैं, कितनी गंभीरता है इन आरोपों में, और आज सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया है कि राज्यपाल द्वारा प्रोटेस्ट बनाना सही है, कैसे देखते हैं? मुझे तो समझ में नहीं आता, उनको तो अपने सहयोगियों से पहले बात करनी थी। कांग्रेस पार्टी के अंदर विद्रोह हुआ है, मैं इस समय राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन कुशासन ऐसा था कि उनके साथियों ने आरोप लगाए कि ऐसी सत्यानाश करने वाली सरकार हमने देखी नहीं, सरकार ढंग से चलाई नहीं, सहयोगी खुद नाराज होके गए कुशासन के कारण, और आरोप हम पे लगाते हैं, इसमें हमारा दोष का है, आप चलाओ चला ना पाओ, आप प्रदेश को तबाह कर दो और आरोप दूसरों पे लगाओ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला किया है उससे सिद्ध हो गया है कि दूध का दूध और पानी का पानी, महामहिम राज्यपाल महोदय का जो फैसला था फ्लोर टेस्ट का, वो बिल्कुल सच था। और ऐसी स्थिति में क्या होता, आपने बहुमत खो दिया, आत्मत में आ गए, तो फ्लोर टेस्ट ही एकमात्र विकल्प था। आज सिद्ध हो गया है कि कांग्रेस केवल घटिया राजनीति करने की कोशिश करती रहती है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनको फिर दिशा दिखा दी है कि झूठ के राजनीति लंबी नहीं चलती। 23 तारीख से लगातार कोरोना के खिलाफ युद्ध में हम लगे हुए थे, पर एक कौशल फैसला किया पार्टी ने कि फिलहाल इस लड़ाई को जीतना है, मंत्रिमंडल का विस्तार फिर थोड़े दिनों के बाद करेंगे, अब 14 तारीख को लॉकडाउन समाप्त होगा, उसके बाद हम विचार, लॉकडाउन समाप्त नहीं होगा, एक चरण समाप्त होगा, आगे जैसी परिस्थितियां बनेगी पार्टी के साथ विचार विमर्श करके फैसला करेंगे। मैं अपनी जनता को भावुक अपील करना चाहता हूँ, जो कोरोना पीड़ित हैं वो भी हमारे भाई और बहन हैं, उनको भी जीने का हक और मुस्कुराने का अधिकार है। कोरोना फैले ना, इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग बनाए, तो सारा देश कह रहा है, प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, लेकिन किसी कोरोना पीड़ित के प्रति ऐसा भाव रखना अमानवीयता होगी, उनको स्नेह चाहिए, सहानुभूति चाहिए। एक तरफ हमारे डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे पुलिस के साथी अपनी जान हथेली में रखकर उनकी सेवा कर रहे हैं, ऐसे में अगर कोई दुत्कारे तो ये अच्छा नहीं लगता। मैं सबसे विनम्र अपील करता हूँ, उनको स्नेह दें, प्रेम दें, वो स्वस्थ होकर लौट रहे, और कोई बीमार है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो स्वस्थ नहीं होंगे, स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, कई स्वास्थ्य लाभ करके वापस आ रहे हैं, उनको स्नेह दीजिए, उनको प्रेम दीजिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। इस संकट के समय ऐसी घटिया राजनीति होगी, इसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। कमलनाथ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, उन्होंने कहा कि 12 मार्च को राहुल गांधी, 12 फरवरी को राहुल गांधी ने चेता दिया था, तब कौन मुख्यमंत्री थे, श्री कमलनाथ जी। 12 फरवरी से लेके 23 मार्च तक आप क्या करते रहे, कल तो वो तारीख भी भूल गए कि कब उन्होंने इस्तीफा दिया था, 16 तारीख कह रहे थे, 16 को नहीं, उन्होंने 20 को इस्तीफा दिया था, और 23 तक कौन मुख्यमंत्री था, क्या हम इतने स्वार्थी हो सकते हैं कब आगे मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे इसलिए आज काम करना बंद कर दें। समय पर तैयारियां बिल्कुल नहीं की गई, समस्या को अनदेखा किया गया, आवश्यक व्यवस्थाएं जुटाई नहीं गई, जनता की चिंता की नहीं गई, क्योंकि जनता के लिए, जनता की सेवा करने की जो तड़फ होनी चाहिए उस तड़फ का अभाव था। मैंने 20 तारीख से 23 तारीख के बीच कार्यवाहक मुख्यमंत्री श्रीमान कमलनाथ जी को फोन किया, उनको चेताया और उनसे कहा कि आवश्यक कदम उठाओ, ये बीमारी महामारी बन रही है, कौन जिम्मेदार है आखिर इंदौर
और भोपाल में इस महामारी को फैलने का, इतने दिन तक आप क्या करते रहे? इसका उत्तर है कोई? लेकिन आज आप केवल आरोप लगाए, ये उचित नहीं है। जब 23 तारीख को मैंने मुख्यमंत्री का काम संभाला, केवल 60 टेस्ट होते थे एक लैब में, आज बढ़ा के हमने 7 लैब कर दिए है, 1080 टेस्ट हम अपनी लैब में कर रहे हैं। लेकिन अपनी लैब पर हम केवल निर्भर नहीं है, 1700 टेस्ट के लिए विशेष विमान कल हमने दिल्ली भेजा, हम देश भर की बाकी लैब का भी उपयोग करेंगे, नई लैब हम लगातार खोलते जा रहे हैं। हमने टेस्टिंग किट का इंतजाम किया, पहले नगण्य थे, इसके बाद उसकी व्यवस्था की, पीपीई किट का इंतजाम नहीं था। आज हालत ये है कि 5000 पीपीई किट हम रोज बना रहे हैं, 2-3 दिन बाद ये संख्या हो जाएगी 10000। आज 63000 पीपीई किट हमारे पास रखे हुए हैं। उस समय कोई आइसोलेशन बेड और अस्पतालों की व्यवस्था नहीं थी, कोविड के लिए जो विशेष अस्पताल चाहिए, आज 23 अस्पताल केवल कोविड के पेशेंट के लिए मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हमने चिन्हित करके रखे हैं, वहाँ केवल कोविड के पेशेंट्स का इलाज होता है। और कोविड हॉस्पिटल्स में ही 4000 बेड हमारे कोविड पेशेंट्स के लिए आइसोलेशन बेड, उसकी हमने व्यवस्था की है पूरे प्रदेश में, तो इसकी संख्या बहुत बड़ी है। और इसलिए जितनी आवश्यक व्यवस्थाएं थी सब हमने खड़ी की। लेकिन मैं इस समय कोई श्रेय लेने की बात नहीं करता, मैं यही कहना चाहता हूँ कि संकट के समय मेरे भाई कोई राजनीति नहीं, इस समय पहले कोरोना महामारी से लड़के इसको हरा लें, हम बाद में आपस की लड़ाई कर लेंगे, सारे मतभेद दरकिनार करके एकजुट होकर सारा प्रदेश चले कोरोना के खिलाफ।